हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में तीन कपूर भाइयों की तरह ही तीन नाथ भाइयों का भी दौर हुआ करता था, प्रेमनाथ, राजेंद्र नाथ और नरेंद्र नाथ। प्रेमनाथ हीरो बन गए, राजेंद्र नाथ को कॉमेडी पसंद आई तो नरेंद्र नाथ ने विलेन के किरदार चुन लिए। आज हम आपको तीनों बेजोड़ एक्टरों की दर्दनाक मौत की वजह बताने जा रहे हैं। पुरानी फिल्मों का वो दौर प्रेमनाथ का हुआ करता था। पाकिस्तान में साल 1926 को जन्मे इस एक्टर का पूरा नाम प्रेमनाथ मल्होत्रा था, लेकिन बॉलीवुड में ये सिर्फ प्रेमनाथ के नाम से मशहूर हुए। बंटवारे के बाद मध्य प्रदेश में आकर बसने वाले प्रेमनाथ ने एक्टिंग की दुनिया में कदम साल 1948 में रखा था। इनकी दो फिल्में अजीत और आग रिलीज हुई थी। वैसे इनको लोगों ने नरगिस और राज कपूर की फिल्म बरसात से पहचानना शुरू कर दिया था। इसके बाद इस बेजोड़ एक्टर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जॉनी मेरा नाम, आन, तेरे मेरे सपने, अपना घर, बादल, बॉबी, रोटी कपड़ा और मकान से लेकर जानी दुश्मन जैसी हिट फिल्मों में अपना हुनर दिखाया। प्रेमनाथ के अभिनय में ऐसा जादू था कि हॉलीवुड ने भी उनको फिल्म कैनर में एक्टिंग के लिए बुलाया था। इतने बेमिसाल अभिनेता का अंत बहुत बुरा हुआ। खाने पीने के शौकीन प्रेमनाथ को अचानक ही दिल से जुड़ी गंभीर बीमारी ने घेर लिया। बीमारी लगने के बाद प्रेमनाथ काफी परेशान रहने लगे। जिंदा दिल प्रेमनाथ ने इलाज तो करवाया, लेकिन सिर्फ 65 साल की उम्र में ही ये बीमारी उनके लिए काल बन गई। साल 1992 को एक दिन अचानक उनको इतना तेज दिल का दौरा पड़ा कि प्रेमनाथ की मौत हो गई। प्रेमनाथ जब बॉलीवुड में सेटल हो गए तो उन्होंने अपने भाई राजेंद्र नाथ को भी बुला लिया। 60, 70 और 80 के दशक की फिल्मों में आपने इस बेजोड़ अभिनेता को कॉमेडी करते जरूर देखा होगा। मोटा शरीर, ढीली हाफ पैंट और सिर पर हैट पहने इस एक्टर ने महमूद और जॉनी वॉकर के जमाने में भी कॉमेडी को चुना था और अपनी जगह बना ली थी। 1961 में आई फिल्म जब प्यार किसी से होता है में राजेंद्र ने पोपटलाल का कॉमेडी किरदार निभाया था। ये रोल इतना हिट हुआ कि लोग उनको पोपटलाल के नाम से ही जानने लगे थे। इतने हंसमुख इंसान और बेमिसाल एक्टर का अंत भी बहुत बुरा हुआ। उनका एक गलत फैसला उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती बन गया। राजेंद्र नाथ ने एक फिल्म बनानी शुरू की जिसका नाम गेट क्रैशर था। इसके लिए उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगा दी, बाहर से कर्ज भी लेते रहे, लेकिन फिल्म पूरी नहीं हो सकी और वो भारी कर्ज में डूब गए। कर्ज के बोझ की वजह से राजेंद्र नाथ तनाव में रहने लगे। उन्होंने इसके बाद छोटे मोटे रोल करके कर्जा तो निपटाया, लेकिन उनकी तबीयत फिर नहीं सुधर पाई। काम मिलना कम हो गया तो राजेंद्र बीमारी के साथ घर पर ही रहने लगे। उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी थी, जिस वजह से उनकी जिंदगी बोझ बनती जा रही थी। इलाज के बाद भी तबीयत बिगड़ती ही गई। एक एक सांस के लिए उनको जोर लगाना पड़ रहा था। आखिर साल 2008 को इस अभिनेता ने दर्द और तकलीफें झेलते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। नाथ भाइयों में सबसे छोटे भाई नरेंद्र नाथ थे। 1935 में जन्मे नरेंद्र ने अपने लिए बॉलीवुड में अलग राह चुनी थी। वो विलन बनकर मशहूर हुए थे। बेजोड़ एक्टिंग के दम पर जल्द ही उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। अनामिका, चोर पुलिस और कयामत जैसी हिट फिल्मों में उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों को दीवाना बना लिया था। नरेंद्र की आखिरी फिल्म 1998 में खौफनाक महल आई थी। इतने मशहूर एक्टर की मौत बहुत दर्दनाक हुई। साल 1998 में एक्टर अपने घर जबलपुर गए हुए थे। यहीं पर अचानक उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया। हादसे के बाद उनकी हालत बहुत खराब हो गई। पूरा शरीर कमजोर हो गया। वो ना चल पाते थे और ना ही खा पाते थे। हादसे की चोटों और कमजोरी से तड़पते तड़पते कुछ समय बाद ही नरेंद्र नाथ की दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, आपको इन तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा किसकी एक्टिंग पसंद थी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस
बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।